अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको सिखाऊंगी लच्छा पराठा बनाना। इसको लच्छेदार पराठा भी कहते हैं और बल वाला पराठा भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं इसको कैसे बनाना है। सबसे पहले 2 कप मैदा ले लीजिए। एक बेल सा बना लें सेंटर में। और साथ ही इसमें जाएगा 1.5 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून शुगर, 5 टेबल स्पून तेल के। आप घी भी यूज कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। अगर आप इसको देसी घी में बनाएंगे तो बहुत ही उम्दा बनेगा। इसके बाद आप अच्छा सा इन तमाम अज्जा को मिक्स कर लेंगे हाथों की मदद से, या आप विस्क भी यूज कर सकते हैं। इस तरह से क्रम्स बन जाएंगे, बट दैट्स ओके। इसके बाद आप इसको हल्का नीम गर्म पानी से अच्छा सा गूंद लें, बिल्कुल उसी तरह जैसे आप घर का आटा गूंदते हैं नॉर्मली डेली बेसिस पे, तो बिल्कुल उसी तरह इसको हम गूंद लेंगे। इसका टेक्सचर कुछ इस तरह से है कि बहुत सख्त भी नहीं और बहुत नरम भी नहीं, बिल्कुल मीडियम। इसको गूंद लेने के बाद थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे डो के ऊपर और आप इसको कवर करके 30 मिनट के लिए छोड़ दें। आधे घंटे के बाद ये देखें डो कितना सॉफ्ट और स्मूथ है। अब अपनी वर्किंग सरफेस पे आप मैदा गिरा लें और डो को थोड़ा सा गूंद लें। और इसको 4 इक्वल पार्ट्स में आप डिवाइड कर लें, या सिंपली जो भी साइज आप पराठे का बनाना चाहते हैं उस हिसाब से बॉल्स तैयार कर लें। अब थोड़ा सा ऑयल लेकर इस बॉल को आप फिंगर टिप्स की हेल्प से फैला लें। हमको कोई एग्जैक्ट राउंड शेप नहीं चाहिए, कुछ भी आप रैंडम अभी इसको आप बेल लें, बिल्कुल एक थिन फ्लैट शीट के जैसा रोलिंग पिन यूज करते हुए। आप इसको जितना फैला सकते हैं फैला लें, बट मेक श्योर कि ये कहीं से भी रप्चर नहीं हो। फैला लेने के बाद आप इस पे 1 to 1.5 टीस्पून ऑयल या घी का लगा दें और अच्छे से फैला लें बिल्कुल किनारों तक। इसके बाद मैदे को आप स्प्रिंकल कर दें अच्छे से, ये आपको लेयरिंग में हेल्प करता है। और आप देख सकते हैं इस तरह से आप ओवरलैपिंग स्टार्ट कर दें एक के बाद एक, लाइक दिस। सिंपली फोल्डिंग है ये, तो आप इस तरह से फोल्ड करते जाएं और प्रेस करते जाएं ताकि लेयर्स जो है वो बिल्कुल सेट रहें। फोल्ड करते जाएं बिल्कुल एंड तक। इसके बाद दोनों सिरों से पकड़ के आप इसको हल्का हल्का स्ट्रेच करें
या फिर आप इस तरह से हाथ में लेके इसको स्ट्रेच करें। देन आपने एक बॉल तैयार करना है जस्ट लाइक स्पाइरल। ऐसे सिंपल आप उसको हाथ पे रख के ऐसे घुमाते जाएं और इस तरह से बाकी की बॉल्स भी आप तैयार करके पहले से ही रख लें। बॉल्स तैयार कर लेने के बाद आप इनको 10 मिनट के लिए छोड़ सकते हैं ताकि आप आसानी से इसको हैंडल कर सकें। अब रोलिंग पिन की मदद से या हाथ से भी आप इसको फैला लें। ये देखिए आप लेयर्स देख सकते हैं। कोई भी पैन या तवा ले लें और उसको मीडियम हाई हीट पे गरम कर लें और 1 टेबल स्पून ऑयल का डाल दें और पराठा डाल दें। 30 सेकंड्स के बाद आप इसकी साइड चेंज कर देंगे या जब आपको छोटे छोटे बबल्स नजर आए तो वो भी एक इंडिकेशन है कि अब आप इसको टर्न कर दें। ये हो जाने के बाद इस साइड पे आप 2 टेबल स्पून ऑयल के डालें और फ्लिप कर लें। अब एक स्पून की हेल्प से आप इसको स्लोली प्रेस करते जाएं और रोटेट करते जाएं ताकि इवनली पराठा पक भी जाए और वो जो एक अच्छा सा गोल्डन कलर आता है वो भी आ जाए। अगर आप ये नहीं करेंगे तो राउंड राउंड से स्पॉट्स बन जाएंगे और वो अच्छे नहीं लगते। ये हो जाने के बाद आप इस साइड पे 1 टेबल स्पून ऑयल डालें और टर्न कर दें और सेम उसी तरह से आप इस साइड को भी पका लें। ये देखें परफेक्टली डन दोनों साइड से, बहुत अच्छा कलर आया है। इस गरम गरम पराठे को बटर लगा के सर्व करें एक अच्छी सी चाय के साथ। मुझे दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह फिर आऊंगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।